नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में कोविड पॉजिटिव केस जंगल की आग की तरह फैल रहा है। ऐसे में ज्यादातर भारतीय देश की ऐसी स्थिति को लेकर चिंतित, उदास और गुस्से में हैं। इस बात का खुलासा सर्वेक्षण में हुआ है। ऑक्सीजन और आपातकालीन दवाओं की कमी के बीच कमजोर चिकित्सा प्रणाली की वजह से भारत एक बड़े मेडिकल क्राइसिस का सामना कर रहा है। सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के जरिए किए गए इस सर्वे में पता लगा कि लोग मानसिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो महामारी से जूझ रहे हैं और जहां वो स्थिति से निपटने के लिए सरकार पर निर्भर हैं। इस सर्वे में 61% भारतीय एंग्री, अपसेट और डिप्रेस्ड पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देशव्यापी दहशत पैदा कर दी गई, क्योंकि हर दिन कोरोना पॉजिटिव मामले 4 लाख से आगे बढ़ गए। सर्वे में कहा गया कि अस्पतालों, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति में बिस्तरों की कमी की रिपोर्ट ने लोगों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है। 2 महीने से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में उनके मन की स्थिति का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर लगभग 23% लोग चिंतित महसूस कर रहे थे। एक दूसरे 8% ने कहा कि वो उदासी महसूस कर रहे हैं। करीब 20% ने कहा कि वो परेशान और गुस्से में हैं, जबकि 10% बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और सिर्फ 7% शांत थे। करीब 28% ने कहा कि उन्हें आशावादी होना पड़ेगा। पोल के रिजल्ट ने संकेत दिया कि 61% भारतीय देश भर में कोविड-19 की वजह से गुस्से से परेशान, निराश या चिंतित महसूस कर रहे हैं। लोकल सर्कल्स के जरिए किए गए सर्वे में सवालों के 8,141 जवाब मिले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।